अखनी लोग के लाइन नहीं है बेटी पुतो अत गाछ लगन सुत ले कि सुत बरते घर में तो उ आते इस बार उ वोट मांगे ले बेटा मैं अबरी वोट वाला वोट भांगी देबे आ आइयो वोट मांगे ले सब कुछ तोरा करबन हर एक विकास दब हम आ जब जीती जाय छ त अपनो पुरिया भुजे लगते तब पब्लिक के पुरिया भुजे छ सुने है तो वो अपने खड़ा नहीं है नहीं वो अपने खड़ा नहीं है अपने पति को खड़ा किया है सही बिजली कहियो ना भर सब महीने 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 हाँ पैसा लग जाए लेकिन बिजली बिल नहीं आवे अथी नहीं आवे लाइन वोट मांगे वाला सब कोई छे आखिरी सरकार जब बने छो यहाँ पब्लिक के बल पर ना सरकार बने छो जब पब्लिक रहबे नहीं करते तो तोरा जीता की है था इसके लिए कौन लड़ेगा हम लोग लड़ेंगे आप लोग को लड़ना पड़ेगा हाँ लड़ेंगे सर लड़िएगा ना बढ़िया से हाँ लड़ेंगे जो प्रत्याशी आएगा सबको बोलिएगा पहले प्रॉब्लम दूर होगा कि नहीं होगा ये बात बताइए दिन और रात लोग ही गाछ लगन कते बढ़ते ससुर बैठल छे उन्हें भैसुर बैठल छे उन्हें भाभो बैठल छे उन्हें बेटी बैठल छे उन्हें पुतो बैठल पूर्णिया के रुपौली विधानसभा क्षेत्र के त्रिलोकी गांव में अभी हम मौजूद हैं यहां देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग हैं तमाम लोगों को पता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में इस बार उपचुनाव होने जा रहा है और बहुत जल्द यानी कि 10 तारीख को उपचुनाव है आप लोग वोटिंग डालेंगे उस दिन इस बीच कई प्रत्याशी हैं जो आप लोगों के बीच आएंगे और बोलेंगे हमको वोट दीजिए हमको वोट दीजिए लेकिन आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो क्या है क्या मुद्दा है वो जानने समझने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं आप लोगों से ये भी पूछेंगे कि इस बार यहाँ चुनावी मैदान में कौन कौन लोग हैं हमको समझना ये है कि क्या आप उनको जानते हैं कितना जानते हैं उसका चुनाव चिन्ह क्या है किनको आप वोट देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ये तमाम चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले आप अपना नाम बताइए राम पुकार मंडल राम पुकार मंडल जी हाँ जी ये कौन टोला है त्रिलोकी टोला बलिया त्रिलोकी टोला बलिया है यहाँ मंडल का संख्या कितना है ए मेरा कोई पता नहीं कितना है नहीं है 100 है कि 300 है 400 है मेरा कोई पता नहीं 20 को 25 को बस हम जो बोल दिए वही है 200 300 है अच्छा ये खटने वाले हैं तो अभी यहाँ दिन है कि रात है दिन है दिन है आप तो प्रदेश रहते हैं तो पता चल गया आपको पता नहीं चलेगा पता चल गया नहीं चलेगा तो दिन है रात है पता चल रहा है तो यहाँ जब आए गाँव में तो गाँव में क्या क्या दिक्कत है ये आपको पता नहीं चला दिक्कत तो बिजली नहीं है आरु की रोड नहीं है वही स्कूल के जाने के लिए रास्ता नहीं है यही तो बोलना था हाँ। आप बोलते हम प्रदेश में थे तो बिजली नहीं है यानी कि बिजली है भी हाँ। तो ठीक से काम नहीं करना है मचान पर बैठते हैं ऐसे ऐसे पंखा डोलाते रहते हैं यानी कि घर में बिजली है जलती है पावर नहीं है पावर नहीं हवा खाने के लिए अपना ही पावर इस्तेमाल अपने पंखा डोला वो रहने से रहने से क्या फायदा हुआ वो तो आप कोई फायदा नहीं हुआ कोई फायदा नहीं अच्छा ये बात बताइए कि सड़क जो बताए कि सड़क ठीक नहीं है किधर का सड़क ठीक इधर तो देखते ठीक है स्कूल वाला वो उधर है स्कूल में अच्छा स्कूल वाला सड़क ठीक नहीं है स्कूल में बच्चों सब की पढ़ाई लिखाई ठीक से होती है हाँ पढ़ाई लिखाई में दिक्कत नहीं पढ़ाई वो सब ठीक है अच्छा ये बात बताइए इधर आप लोगों को शौचालय वगैरह मिला है ना नहीं शौचालय नहीं मिला ये अभी नहीं तो आप लोग सोच करने के लिए कहाँ खेत खलियान जाते हैं जंगल बहुत है जंगल है तो उधर मच्छर नहीं काटेगा आपको मच्छर काटेगा करेगा की क्या करेगा मजबूरी बस करेगा की ऐसे करो अच्छा इस गांव में जो है शौचालय नहीं है अभी ना है मरा मोटा है ये बात बताइए इस गांव में कहा जा रहा है कि बहुत समस्या सही बात है सही बात है सर क्या क्या मुख्य समस्या है समस्या यह है स्कूल जाने के लिए बच्चे को सड़क चाहिए ना वही समस्या है और बिजली के बारे में कहेंगे बिजली रहती है लेकिन उसमें वोल्टेज नहीं रहता हम लोगों का बिजली बिल वैसे लग जाता है फोकट में बिजली बिल लगता है हाँ सर बिजली बिल भरते हैं इस ऐसा बात नहीं बिजली बिल नहीं भरते हैं शौचालय है कि नहीं है शौचालय जिनके पास पूंजी है उनके पास है जिनके पास पूंजी नहीं है उसके पास जो इनके पास पूंजी वो अपना बनाया है जी बनाया है आ, जिनके पास नहीं है तो खेत खलियान जाता है खेत खलियान जाता है गरीब छिया अभी भी महिला उला बाल बच्चा सब खेते खलियान हाँ खेते खलियान सर यही हाल है हाँ सर अच्छा ये बात बताइए इस बार चुनाव में हो रहा है तो लोग आएंगे आपसे वोट मांगने के लिए तो आप लोग इस समस्या को बताइएगा ना बताएंगे बिल्कुल बताएंगे जरूर बताएंगे ऐसा बात नहीं बताइएगा जरूर बताएंगे अच्छा ये बात बताइए चाचा इस बार यहाँ चुनाव कौन कौन लड़ रहा है
हमारे ख्याल से शंकर सिंह है। अच्छा। और ये कलाधर मंडल है और एक परमानंद मंडल है और तो किसी का नाम जानते नहीं है कौन सा। अच्छा, शंकर सिंह है, कलाधर मंडल है, परमानंद मंडल अभी है जी हाँ, वो भी खड़ा है। ये तीन का नाम जानते हैं लेकिन है 6-7 का कैंडिडेट है। और ये बीमा भारती का नाम सुने हैं कि नहीं? नहीं, उसका भी नाम नहीं सुने हैं। उसका भी नाम नहीं सुने हैं। सुने हैं सुने हैं तो वो अपने खड़ा नहीं है, वो अपने खड़ा नहीं है, अपने पति को खड़ा किया है, यही सुने हैं जी हाँ। अच्छा, ये बात बताइए, शंकर सिंह का चुनाव चिन्ह क्या है? अभी तक तो नहीं आउट हुआ है। आउट नहीं हुआ है जी? नहीं। बीमा भारती का? बीमा भारती का नहीं, लालटेन छाप है। लालटेन छाप है, लालटेन छाप है। देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं, बीमा भारती का पति मैदान में नहीं है, बीमा भारती खुद भी चुनाव लड़ रही हैं। वो खुद लड़ रही हैं। रिजाइन दे दिया था लोकसभा वाला में। अच्छा, तो वो तो दे दिया था ना, लेकिन अब फिर लाल उस समय तीर छाप से चुनाव लड़ रही थी। अच्छा। इस बार वो लालटेन छाप से चुनाव लड़ रही हैं। ठीक। तो वो खुद हैं, उनके पति पे केस हो गया तो वो अभी नहीं लड़ पा रहे हैं, बेटा जेल में है ना, लेकिन बीमा भारती खुद लड़ रही हैं, वही वोट मांगने के लिए आएंगी। तो उनसे बोलिएगा ना कि ये सब समस्या है, कैसे दूर होगा। जरूर बोलेंगे, है ना। तो बीमा भारती का चुनाव चिन्ह क्या हुआ? बीमा भारती का लालटेन छाप। लालटेन हुआ। शंकर सिंह का पता है? नहीं पता है। शंकर सिंह को मिला है कैंची छाप। अच्छा, ठीक है। वो निर्दलीय है? निर्दलीय है, है ना। और कलाधर मंडल का पता है कि नहीं? जी हाँ, तीर छाप। हाँ, उनका तीर छाप है। चलिए, ये धीरे धीरे जानकारी आप लोगों में आ रही है। ये बात बताइए, टोटल कितना प्रत्याशी है चुनावी मैदान में? ये नहीं मालूम है। 11 है। हाँ, 11 है। और सब बोलता है हम जीतेंगे? सब तो बोलता है, लेकिन अब जीतेगा सब आएगा आप लोगों के पास? सब आएगा। तब बताइएगा ना कि यहाँ शौचालय नहीं है। हाँ। ये सब बताइएगा ना कि बिजली का स्थिति ठीक नहीं है? नहीं है। सड़क उधर स्कूल वाला अच्छा से नहीं बना है? नहीं बना है। ये तमाम चीज बताइएगा ना? जरूर बताएंगे। कि नहीं पूछिएगा उनसे? नहीं पूछेंगे, एकदम जम के पूछना है। जरूर है, उनको आने जाने का रास्ता नहीं है। आइए, आप इधर आइए। अरे सही बात बोल रहे हैं आप, बताइए। सही बोलते हैं, बीच में बस्ती है, उसको आने जाने का रास्ता नहीं है। उसको आने जाने का रास्ता क्लियर चाहिए। क्लियर चाहिए? हाँ। तो रास्ता वो मिलना चाहिए? हाँ। और ठीक ठाक रास्ता होना चाहिए? होना चाहिए। बिजली एकदम करंट टनाटन रहना चाहिए? टनाटन उसको देते हैं, पेमेंट देते हैं, फिर भी नहीं आता। बिजली का आप लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं और बिल भरते रहते हैं? बिल भरते रहते हैं, बिल के समय में आता है, बिल देते हैं, हाल लेता है। इस बार फिर आएगा आप लोगों के बीच में, जितना उम्मीदवार है सब आएगा। हाँ। अब बोलेगा कोई क्या, बीमा भारती बोलेंगी कि ये मेरा लालटेन छाप है। कौन छाप है उनका? लालटेन छाप। बोलेगा लालटेन पर वोट दीजिए, जिताइए, हम काम करेंगे। इतना बरस सब सर राज किया। हाँ। अभी तक हम लोगों को कुछ अच्छा काम नहीं किया और हम लोगों को देखा नहीं। देखा नहीं। हाँ। शंकर सिंह आएंगे, वो बोलेंगे मेरा कैंची छाप है। हाँ। इस पे वोट डालिएगा, तो उनसे भी पूछिएगा कि मेरा काम दूर होगा ना प्रॉब्लम? हाँ, प्रॉब्लम दूर कीजिए, रास्ता नहीं आने जाने का। वो आएंगे कलाधर मंडल। हाँ। वो बोलेंगे मेरा तीर छाप है। हाँ। इसमें वोट डालिए, उनको भी वही कहेंगे जितना बात आपको कह रहे हैं। सबको यही बात बोलना है? हाँ, बोलना है, एकदम मजबूती से लड़ना है सबसे। हाँ, हाँ, हाँ। बात को समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहे हैं सर। जब तक आप लोग अपने अधिकार के लिए नहीं लड़िएगा, तब नेता लोग आपका अधिकार देगा? नहीं देगा। सही बात है सर। बच्चा का भविष्य कैसे सुधरेगा? आप लोग गार्जियन है, अपने मुंह में, अपना मुंह में जुबान में बोली नहीं रखिएगा तो बच्चा का भविष्य नहीं सुधरेगा। नहीं सुधरेगा। हाँ, भविष्य खराब होते रहेगा। सही बात है सर। आप मजदूरी कर रहे हैं? क्या करते, कौन काम करते? मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं, तो बाल बच्चा बढ़िया पढ़ेगा तब ना कोई बढ़िया काम करेगा? करेगा। हाँ, सही बात है सर। तो बाल बच्चा पढ़ेगा तो स्कूल अच्छा से चलेगा, रास्ता अच्छा रहेगा, सुविधा अच्छा रहेगा, तब ना पढ़ाई लिखाई होगी। पढ़ाई लिखाई होगा। इसके लिए कौन लड़ेगा? हम लोग लड़ेंगे। आप लोग को लड़ना पड़ेगा? हाँ, लड़ेंगे सर। लड़िएगा ना बढ़िया से। हाँ, लड़ेंगे। जो प्रत्याशी आएगा सबको बोलिएगा पहले प्रॉब्लम दूर होगा कि नहीं होगा ये बात बताइए। हाँ। तब आप वोटिंग का बात करिए। बात कीजिए। हाँ, सही बात है ना। हाँ, एकदम बिल्कुल। ये जो आपका 300 यहाँ मंडल है। हाँ। सब बिल्कुल तैयार है आप लोग? हाँ, तैयार है, बिल्कुल तैयार है। क्या नाम है आपका? सीताराम मंडल। सीताराम मंडल, आप में सीता भी है, राम भी है।
है ना, बिल्कुल यहाँ के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। टाटिल मेरा यही है, यही है। चलिए ये देख रहे हैं यहाँ महिला लोग बहुत है। अरे आप लोग से हम बात करने के लिए आए हैं खास तौर से। कौन कौन टोला बताए, आप नाम भूल गए हम? बलिया त्रिलोकी टोला। बलिया त्रिलोकी टोला, आप लोग कौन काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, अच्छा ये बात बताइए, आप लोग मजदूरी करते हैं, बाल बच्चा ठीक ठाक से पढ़ता लिखता है ना? क्या करिए, कमाइएगा तो खाइएगा, पढ़ने लिखने जाइएगा, पढ़ाइएगा स्कूल में, सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ता है बच्चा, स्कूल जाता है ना डेली? हाँ यही बच्चा, यही बच्चा डेली जाता है। हाँ। तो बच्चा को मन से पढ़ाना है कि नहीं? पढ़ाइएगा ना, जो होगा तो पढ़ाइएगा। हाँ तो आप लोग मजबूती से रहिएगा तो बच्चा को पढ़ाइएगा, तब ना आप लोग अभी मजदूरी कर रहे हैं। हाँ। तो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तब ना कुछ बढ़िया करेगा। कुछ बढ़िया थोड़े करिएगा, पैसा वाला लगन में पैसा होइएगा और जाइएगा। गरीब बच्चा कतो पढ़िएगा, थोड़े कुछ होगा, गरीब बच्चा कुछ नहीं होगा। अरे गरीब आदमी भी बहुत आगे बढ़ता है, संजोग है तो मेहनत करने से ना होगा? हाँ, मेहनत करिएगा बच्चा सब तब ना। मेहनत आप लोग गार्जियन है, बच्चा को ध्यान दीजिएगा तब ना होगा? ध्यान तो माँ बाप अति कहते हैं कि बच्चा नहीं पढ़िएगा। आप लोग कोशिश कर रहे हैं? कोशिश करिए रहल छी। बाल बच्चा है आपको? दो ठो है, दोनों पढ़ रहा है बढ़िया से। चलिए क्या नाम है आपका? पूनम देवी। पूनम देवी, चाची आप लोग बताइए, आप अभी बहुत गुस्सा रही थी कि बिजली बड़ा गड़बड़ है। सही बिजली कहियो ना, भरा छे सब महीने महीने। हाँ पैसा लग जाए छे, लेकिन बिजली बिल नहीं आवे, अथी नहीं आवे छे, लाइन एकदम नहीं लाइन आवे। पावर रेवन करे छे ना, खाली हमर आवे छे। पंखा घूमे छे कि झूले छे? झूले छे, खाली झूले छे, घूमे नहीं छे। घूमे नहीं छे, पावर नहीं है से घूमते कहां से? तो उ आते इस बार उ वोट मांगे ले, हम अबरी वोट वाला वोट भांगी देबे। हां आइयो वोट मांगे ले, हां दे देबे, सोचिए के ना देबे। हां वही ना देबे, जे हमरा सुरक्षित करते ओकरे देबे। अच्छा अपने के पता सब छे ना के सब मांगे लेते वोट? अब के सब मांगे लेते, जकरा जरा आइते ओकरा ओकरा कह दे, जकरा जरूरत छे वही भी करते। हां वही भी करते, ई नै छै कि नै एते, तब पूछल जेते। हां तब पूछल जेते की चाची फरिया छे? हाँ, सही पूछबे, फरिया के बिल्कुल पूछना छे। हां पूछना है, जितना प्रॉब्लम छे सब के दूर कर रहे के भरोसा लेना छे ओकरा से। ठीक के छे, आपको मिला वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं? गरीब आदमी के देखे वाला कोई नहीं है? दूर हम लोग के बस्ती पर छी, वो हमरा नहीं दे रहलो छे, कह छे तोरा कहां से देबन, तोरा नाम मिलो छन, हमरा नाम नहीं तत कि वो की बड़का आदमी के नाम चल आवे छे, छोटका के नामे ना आवे छे। हां बड़का कहलो छे, बड़का छप्पर पर छे, हमरा खरो पर खर नहीं मिले छे। हमरा देबे त गरीब छे, पेखनार नहीं मिलो छे, सुतला नहीं मिलल छे। नहीं सब ने बेटा छे, ने सोए छे, ने कोई छे हमरा। अच्छा लोगो खत्म जाय छे, अपने के सुतला नहीं भेटल छे? ना लोग हम जाए बात बोली कहे छे, हमरा खेतो में नहीं यो नहीं करत बहु, उठा दे रे हाथ बोले लागे छे, की करबे दिक्कत छे, ई हाल छे इधर दादा। तो बोले छे कि बहुत विकास भए गेले सब जगह, शौचालय भेट नहीं हमरा कने चले छे, नहीं भेटल छे ना। वृद्धा पेंशन मिले छे कि नहीं? दे छे 400। 400 गौरव कुमार क्या करता है? क्या करते हैं, बाहर रहते हैं। मतलब यहाँ गांव घर में कोई काम धंधा नहीं है? नहीं करते हैं, रोजगार नहीं है यहाँ? नहीं है। बाहर कहाँ जाता है? बाहर रहते हैं अति हैदराबाद में रहते हैं। हैदराबाद? हैदराबाद में कौन काम करता है? फ्लावर में करते हैं। घर यहाँ कब आया? घर 6 महीना हो गया। 6 महीना से यही है? अच्छा ये बताओ कि इस बार यहाँ चुनाव हो रहा है, वोट डालेगा ना? नहीं मेरा नहीं वो अथी बना है, आधार कार्ड नहीं बना? आधार कार्ड पे थोड़ी ज्यादा, 18 साल नहीं हुआ तुम्हारा? 21 साल हुआ है, मेरा प्रूफ चाहिए ना, पहचान पत्र नहीं है, नहीं बना। लिस्ट में नाम नहीं गया? नहीं गया। आधार कार्ड भी नहीं बना है? नहीं बना है। तो कैसे होगा तुम? आधार कार्ड है मगर पहचान पत्र नहीं। पहचान पत्र नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं? वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो नहीं बोला, तब तो वोट कैसे डालेगा, तब तो नहीं डाल पाएगा। नहीं ऐसा ढेर लड़का होगा जिसका नाम नहीं होगा? हाँ बहुते लड़का है ऐसा ऐसा बहुत है। इस बार चुनाव में क्या सब होने जा रहा है? इधर चुनाव में तीर छाप निकल रहा है, कलाधर मंडल निकलेगा। अच्छा ये बात बताइए, कलाधर मंडल में क्या खास बात है?
खास बात है कि वो गांव समाज के रहने वाले सज्जन व्यक्ति हैं, उस पर कि सबका हक है, कोई किसी के दरवाजे पे बुलाते हैं तो एकदम खुशी खुशी आते हैं और जो भी निर्णय निकालना होता है एकदम वाजिब निर्णय निकालते हैं। अच्छा ये बताइए इस यहाँ से प्रत्याशी कौन कौन है? यहाँ से प्रत्याशी तो बहुत हैं लेकिन यहाँ पे जो है कलाधर मंडल का एक नंबर पे वोटिंग है और एक नंबर पे ही जीत होगा। वो तो ठीक है, वो आपका जिसको वोट देना हो दीजिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं यहाँ प्रत्याशी कौन कौन है? यहाँ पे शंकर सिंह है, कलाधर मंडल है और बीमा भारती है। ये और सर कलाधर मंडल कौन पार्टी से? तीर्थाप आर जदयू से। जदयू से है। और ये बीमा भारती? बीमा भारती है आरजेडी से। कौन छाप है उनका? उसका है लालटेन। लालटेन छाप उनका है। और इनका शंकर सिंह का? शंकर सिंह का कैची छाप। कैची छाप है उनका। और कौन पार्टी है उनका? किसका? शंकर सिंह का। शंकर सिंह का तो एनडीए है ना? एनडीए है। अरे वो तो निर्दलीय है। निर्दलीय है। हाँ सॉरी निर्दलीय है वो। निर्दलीय है लेकिन निर्दलीय होकर कभी पूरा मुकाबले में वो भी है। हाँ वो भी है, है ना। ये तीनों का चर्चा है, बाकी और जो है सात लोग यानी कि आठ लोग और 11 टोटल हैं, तो उन लोगों का भी तो अपना अपना चर्चा होगा। चर्चा है लेकिन मेरे इलाके में नहीं है। आपके इलाके में नहीं है उन लोगों का, लेकिन ये तीनों का है। ये तीनों को सब आदमी जानते हैं। अच्छा आप लोग जानते हैं? हाँ तीनों को। अच्छा ये बताइए गांव में जो है लोग कह रहा क्या कि शौचालय नहीं है बहुत लोगों को? अरे गांव में तो विकास कुछ भी नहीं है, बिजली चलिए ना पंखा में बैठाते हैं, देखिएगा कितना स्पीड से पंखा चल रहा है। मोबाइल चार्ज में लगाइएगा, मोबाइल चार्ज। बताइए पंखा को बिजली घुमाएगी कि हम ही लोग को हाथ से घुमाना पड़ेगा? अपने से घुमाइएगा तब पंखा चलेगा, यही सोच सकते हैं। शोरूम में खाली हो क्या? शो है देखने के लिए। हाँ मोबाइल चार्ज नहीं होता है, मोबाइल जो है ना सौर प्लेट पे चार्ज करता है बैटरी चार्जर से। ये स्थिति बनी ये है। स्थिति यहाँ का है। तो मेन गर्मी में दिक्कत हो रही है आप लोगों को? मेन गर्मी में तो क्या कहिए, कब सोना चाहिए उसका पता ही नहीं। कलाधर मंडल को वो पूछेंगे नहीं आएगा तो? पूछेंगे, पूछेंगे सब पूछना है। हाँ पूछना है, दूर को बोले ना अभी चुनाव लड़ रहे हैं तत्काल इस प्रॉब्लम को दूर। हाँ एकदम दूर कराएंगे, वो बोले हैं कि हम कराएंगे। कब मतलब गर्मी निकल जाएगा तब? अब गर्मी निकलेगा, अब तो स्टार्टिंग हुआ है। अच्छा स्टार्टिंग हुआ है, उम्मीद है अभी उम्मीद है कराएंगे। चलिए क्या नाम बताया आपने? रंजीत कुमार। रंजीत जी तुम्हारा नाम है वोटर लिस्ट में? वोटर लिस्ट में नहीं है। वोट नहीं डालेगा? वोट वोटर लिस्ट में नाम होगा तभी ना डालेंगे। 18 साल हुआ? 18 साल हो गया। तो नाम क्या नहीं डलवाया? नाम अभी नहीं डलवाए, आएगा तभी ना डलवाएंगे। कोई ऐबे नहीं करता है, कोई ऐबे नहीं करता है, कोई चीज़ में सारा चीज़ में ऐसे वो करता है। अब आएगा ना वोट मांगने के लिए तुम लोग को बोलेगा, उसको तो होगा कि 18 साल हो गया क्या वोट देवे करेगा, है ना। अब मांगने आएगा तो क्या बोलेगा उन लोगों को? मांगेंगे करेंगे जिसका मान लीजिए मेरा गांव का है तो उन लोगों को बोलेगा ना कि हम लोगों का नाम नहीं आया है। हाँ, नाम नहीं आता है जो हम जैसे कोई चीज में जरूरी पड़ता है उसमें हमको साथ नहीं देता है, ये हाल है। गांव का मुखिया है, गांव का खा लेता है पैसा, घुसखोरी खा लेता है। मुखिया घुसखोरी करता है? नहीं करता है, उधर में रोड बनाया है आधा बनाया है पैसा उठा के सब खा लिया, ऐसे थोड़े होता है। शौचालय देता है सरकार। लोग युवा है जवान जान है तो बोलता क्या ना? बोलेंगे, आएगा तभी ना, जैसे आप आए सर बोलेंगे ये फैलेगा सभी जानेगा तब ना। अच्छा ये बात। शौचालय आता है सरकार देता है, क्या कहता है कि घूस पहले खा लो तब देंगे शौचालय। घूस लेता है? कितना घूस लेता है? वही 1000 रुपए लेता है, 1000 रुपए लेके तब शौचालय बनवाता है। वो भी बढ़िया देता है बना कि नहीं? वो भी वैसे टूटा फूटा देता है, टीना का देता है उसमें, वो कितना दिन चलेगा? वो तो खाली नाम का देता है। हाँ नाम का, काम का नहीं। काम का कोई काम बोल रहा है कि अभी तक खेत खलिहान में जाता है लोग सोच करने के लिए। सही बात है, सही बात है, हम सब खेते में जाते हैं, इतना तकलीफ है। अतः अभी मानो सुखाड़ है, बरसात में? बरसात में कहाँ जाएंगे, वही तो दिक्कत है, सरकार को सोचना चाहिए ना। तो बरसातों में खेते में जाता है? खेते में जाते हैं। इतनी तो बहुत दिक्कत है तभी। ये कीटाणु कहाँ फैलेगा, आदमी है ना बीमारी के लिए। आपको कोई दिक्कत भी है? दिक्कत तो रहते को छाड़े वाला छे वोट मांगे घड़ी गोर लागल सब एते बड़का छटका तक नहीं बुझन लगते बेटी छे पुतहु जे देखा बेतरे फारबे। अखनी लोगो के लाइन नहीं छे बेटी पुतो एते गाछ लगुन सुतैले कि सुतै बरतै घर में
तब की छे बेटी पुतलब का एते गाछ लगुन सुतै ले बढ़िया लागथन जहने तोहर बो बेटी तने सबके बो बेटी छे मां बन के इज्जत चेक नै छे हमर कनियन पुत्रा आ हमर गाछ लगुन आबे बैठल कथिल घर में पंखा लगल छे बिजली बिल बंग आली एते एक महीना न दबा पोल पर से तार काटी देते या महीना बिल न छे अगला महीना में देबे त तार काट दै छे अभी बहुत आदमी बोलले कि महिला सबके सोच करे के लिए खेत जाय पड़े छे त तब न जाय छे देख देखिए टोला में गुड़िया की 100% में क्या परसेंट छे शौचालय गरीब आदमी के देखे वाला कोई नहीं छे कोई नहीं छे वोट मांगे वाला सब कोई छे आखिर सरकार जब बने छो यहाँ पब्लिक के बल पर न सरकार बने छो जब पब्लिक रहबे न करथन तो तोरा जीता की हेथन पब्लिक जब मरिया जीते तोरा जीता की है तुम क्या जीते तो सबके सब बता क्या रंग कमबे वाला छे कोई निमरो छे कोई दुबरो छे कोई मोटो छे कोई पतलो छे कोई कमबे वाला बढ़िया छे केकरो कठ्ठा डंटा छबे नहीं केले तू कहां से बनेते अपनो पैसा लगाए शौचालय कहां से हीटर लगेते कहां से लाइन लगेते ये सरकार दे छे तो वो वहला खाय खाय जाय छे सरकार देते तो वहा खाय जीते मुखिया सरपंच तुरी वाला ये तो बड़ा दुख वाला बात है कि इतना बड़ा गांव में अभी तक शौचालय ठीक से नहीं छे महिला सब के लिए क्या करो आना छे क्या करो जखने की आले यहां महिला एरल रहे की जाए शौचालय करल जते भोंगबाड़ी त ए उठवाल जा रहे पिपू बजबे रहे तखनी त गेले हजारे बापुत करके तखनीओ वोट के लेके जरूरी रहते ओ तभी आल रहे कि ने शौचालय उधर ने नहीं जाना कुछो न हां तखनी न जियो शौचालय बनते लोग हे देखने छ शौचालय में बैठल छ बेटी पुतो ये ते बीच पर पाट पर बैठे ले यानी कि ये बोले छे कि महिला का इज्जत करो सम्मान करो सरकार आर करे छे ई लोग खाब करे छे तब जा छे वहां बच बिहार में कि जरार रहे राजपूत रहे कोई रहे बेटी पुतो नंगट घाट जाना चले ओकरा के की छे सगुन ई सब खाली सरकार बने के छे अधिकार ई सब चीज के ओकरा लगे दुख नहीं पहे छे ना जीते घड़ी कते सब कुछो तरह करबन हर एक विकास दब आ जब जीती जाय छ त अपनो पुड़िया भुजे लगते तब पब्लिक के पुड़िया भुजै छ सबके वहा हाल छ सबके वहा हाल छ टोला बुलिया या टोला सोटला में देखिए 50 गो बाथरूम नै हेते अत्ते बर के टोला छ 50 गो बाथरूम नै हेते केकरो घर में लाइन चलिए त देखबे अखनी लाइन छ देखिए कि बोर्ड में तक लाइन नै छ मीटर में लाइन नै छ घर छोड़ के लोग सब खोपड़ी में रह छ सब घर छोड़ के खोपड़ी में छ कि बीच पर पाट पर रह छ गाछ के नीचे में न रहै छै अखनी जो लाइन रहते दिन रात लोग ई गाछ लगुन कते बढ़ते ससुर बैठल छै ने भैसुर बैठल छै ने भाभो बैठल छै ने बेटी बैठल छै ने पुतो बैठल कते गर्मी में कते इज्जत करते हां ई तो दुख वाला बात छै ई तो अपना सबके परिवार में संस्कार छै कि बोर छोड़ के लिहाज करे छै लेकिन गर्मी कारण सब बेइज्जती भ रहल सब बेइज्जती होय छै एक महीना लाइन के लाइन ने बिजली के बिल नहीं देते लाइन मगर फूल जाते लाइन के पैसा नहीं देते तार तुरंत काट देते अच्छा ये बिजली रहबे न करे छे साफे न अब बिजली बिल नहीं देलके त तार काट देते तार काट देते तार काट देते ए तुरी तो बड़ा दुख वाला बात छे त बेटी पुतहु सब रहते यहां सड़क पर आबे के बैठे छे सबके न मां बहिन छे सही बात छे महिला बाल बच्चा सबके बाल बच्चा बरसात मर्दना पुरुष अखनी इज्जत लाल छे बाले बच्चा के लेली कमबे लाल छे कि दूसरा लेली कमबे लाल छे ई अच्छा ठीक छ अभी तो सुखार छे बरसात में ई महिला सब बच्चा सब कैसे जते जंगल में कैसे जते हमरा के इतना पानी में ठोक के जाय छे एगो रास्ता नहीं छे सान भादो या बच्चा हर एक चीज घर छे पीछू में खेत में अबे त रोड पर दुकान दौरी हटिया बाजार सब कुछ घर में पैकिंग रहे छे गरीब लोग के यतना का पानी डूबी के जाए छे दूसरा के अंगना से सांप बिच्छू कीड़ा के भी तो डर है तेरा तब ना है छे लोग काट लेते मर जते सरकार के बो बेटी बढ़िया से इस करें छे अड्डा खदा रात भी आर जो लगते है तो तखनी का तो जवानो बेटी छे तो विधायक बनाए दे छे ये देख रहे हैं लोगों में कितनी नाराजगी है कौन गांव बताए इठो आप बलिया सनमा बलिया तिरलोकी टोला बसमनपुर पंचायत तिरलोकी टोला है ये सनमा बलिया कहलाता है और यहाँ करीब 250 से 300 के आसपास घर है तो ये देख रहे हैं ये स्थिति है लोगों में कितनी नाराजगी है इन लोगों का साफ कहना है कि जिस तरह से इन लोगों को बिजली दी गई बिजली का बिल लिया जा रहा है बिजली का ये लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि बिजली का जो पावर है वो रहता ही नहीं है सीरीज रहती है बिजली ये स्थिति है शौचालय की स्थिति काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ की महिलाओं ने कहा
कि अभी सुखाड़ के समय में भी इन लोगों को बाहर बिहार में जंगल में जाना पड़ता है शौच करने के लिए, बरसात के समय में जब पानी रहता है तो जरा सोचिए उस समय में क्या स्थिति रही होगी, और इन लोगों को छोटे छोटे बच्चों को बाहर में जंगल में शौच करने के लिए जाना पड़ता है, सांप बिच्छू बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी तक इन लोगों को, जिन लोगों ने भी भरोसा दिलाया, वो सांसद हो, मुखिया हो, विधायक हो, जो भी हो, इन लोगों के सपनों को पूरा नहीं किया। इस बार फिर चुनाव है, 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, सारे लोग आएंगे और बोलेंगे, बच्चों को दूर करेंगे। लेकिन इस बार इन लोगों ने बताया है जैसे ही वो आएंगे ये लोग उनसे सवाल करेंगे, और जब तक इनकी इनके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा ये लोग वैसे प्रतिनिधि को चयन नहीं करेंगे। तो निश्चित रूपेण इन लोगों में आक्रोश है, शिकायत है, और जनप्रतिनिधि जब इनके घर पर आएंगे तो उनका सामना तो उनको करना ही पड़ेगा। एक बात और है कि इन लोगों का ये भी कहना कि सड़क का पैसा उठ गया और सड़क नहीं बनी, विधायक हो, मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड मेंबर हो, सांसद जी हो, तमाम लोगों के प्रति, मुख्यमंत्री जी हो, सबके प्रति इन लोगों की नाराजगी है। विधानसभा चुनाव में जब लोग यहां आएंगे तो उनसे सवाल किया जाएगा। कोसी आलो के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है, अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त, जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूँ? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला, थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टेक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके शहर पूर्णिया के NH 31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में, गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, 2400 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा, इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 2400 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन, 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्ड धारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH 31 लाइन बाजार, वेस्ट ऑफ कप्तानपुर, पूर्णिया।